अवज़बल्समीम बिस्मिल्लम रही डी ऑक्सी रबो न्यूक्लिकेसड डी एन नई स्टैंड फॉर डी ऑक्सी रो न्यूक्सड सम द मालिक्यूल ऑफ लाइफ एंड मोदीज टेक्सट बुक ऑफ मेडिकल जूरिसपूेंस एंड टेक्सिकोलोजी ट्वेंटी फोर्थ एडिशन यू पीपल नो एक्सप्लेन्स जिंदगी जो है जमीन के ऊपर वो सेल्स के ऊपर मबनी है और हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें एक मकम्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होता है और हर क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूक्लियस के अंदर तेईस पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के हर न्यूक्लियस के अंदर एंड दीज क्रोमोसोम्स कैरी अरेंज द जेनेटिक यूनिट्स विच आर मेटरली रेफर्ड एज द डी एन इज द एक वरास्ती मादा है जो कि हर इंसान को दूसरे इंसान से डिफरेंट करता है लेकिन इसमें जेनेटिकल ट्विन्स जो हैं वो इसकी एक्सेप्शंस में फाल कर जाते हैं और हर डीएनए के अंदर एक जेनेटिक कोड पाया जाता है हर इंसान का जेनेटिक कोड जो है वो हर इंसान का मुख्तिफ है याद रखिएगा कि पहले भी हमने इस पर डिस्कशन किए कि हर इंसान में 99.7 परसेंट डीएनए सेम सेम होता है सिर्फ जीरो शरिया तीन परसेंट डीएनए जो जेनेटिक कोड है वो हर इंसान का मुख्तिफ होता है अब आपको पता है इसकी केमिकल एनालिसिस के लिए भी हमने कल बात की है और डीएनए uh, आइडेंटिफिकेशन जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर रिलायबल रिजल्ट्स भी ले आते हैं और सलमान अकरम राजा एंड एन अदर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थ्रू चीफ सेक्रेटरी एंड अदर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लैंडमार्क जजमेंट थी जो कि 2013 एससीएमआर पेज 203 में रिपोर्ट हुई है उसमें कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीएनए टेस्ट इन ऑर्डर टू डिटरमिन द फुल द ट्रूथफुलनेस ऑफ द एलिगेशन ऑफ क्राइम इज नॉट न्यू डीएनए वाज़ नॉट सो रिलायबल दे आर फॉर द कोर्ट्स ऑफ अन एक्सक्लूडिड इट फ्रॉम द एविडेंस एंड डिट नॉट बेस द कन्विक्शन ऑन इट लेकिन पिछली एक दो सदियों से डी एन ए टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है कि फ्रेंसिक साइंस ने इसमें इनकलाब बर्पा कर दिया है और डी एन ए टेस्ट जो है वह कोर्ट्स को एक आइडेंटिफाइंग एलिमेंट जो है हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस में जाकर दे देती है क्योंकि रियल कल्प्लट का जो डीएनए जो विक्टम के साथ मैच कर जाएगा तो वो ऐसा पोटेंशियल सस्पेक्ट जो होगा किसी भी किस्म का जो रॉन्गफुली किसी और मुलजम की तरफ लेके जा रहा है कम अज कम उससे छुटकारा मिल जाएगा और जो असल मुलजम है उसका डीएनए जब विक्टम के डीएनए के साथ कोरेबोरेट कर जाएगा तो फिर मामला जो हैं वो ट्रूथफुलनेस की सबस्टेंशियल पोजिशन में आ जाएंगे और आपको पता है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑफ डीएनए एविडेंस इज इवेल्युएटेड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिकल 59 एंड आर्टिकल 164 ऑफ द कानून शहादत आर्डर 1984 अब आर्टिकल 59 जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन मैटर सच एज साइंस एंड आर्ट फॉल विद इन दिल रेलिवेंट एविडेंस जबकि जो आर्टिकल 164 सिक्सटी फोर कानून शहादत आर्डर है वो कहती है कि कोर्ट में अलाउ रिसेप्शन ऑफ एनी एविडेंस डेट मे बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ द मॉडर्न डिवाइसिस एंड टेक्निक्स यानी जदीद दौर की जितनी भी टेक्निक्स हैं जितनी भी एविडेंसेस हैं वो उनको अदालत जो है वो सब्सटेंशल एविडेंस के तौर पे ले सकती है एंड अंडर दिस रजीम द टेक्नीशियंस हु कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट टू सेक्रुनाइ एंड सिक्रूटिनाइज डीएनए एविडेंस इज रिगार्डेड एज एन एक्सपर्ट यानी एक्सपर्ट ओपिनियन में फाइल कर जाती है डीएनए एविडेंस और एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है आपको पता है कि अंडर आर्टिकल 59 जो है कानून शहादत आर्डर 1984 दैट डेट इज एडमिजिबल इन द कोर्ट इसके अलावा अगर हम सब सेक्शन तीन सेक्शन नाइन पंजाब फ्रेंसिक साइंस एजेंसी एक्ट 2007 की तरफ जाएं तो डेट रीअर्म्स This legal position, when it text that a person appointed in the agency as an expert shall be deemed as an expert appointed under the section 1, uh, under the section uh, 510 of the CRPC 1898, and a person specially skilled in a forensic material under Article 59 of the Kanun-e-Shahadat 1984. बेसिकली ये कंबाइंड रीडिंग ऑफ ऑल दिस प्रोविजन्स आर्टिकल 59, आर्टिकल 164 ऑफ कानून शहादत एंड सेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ द पंजाब फ्रेंजिक साइंस एजेंसी एक्ट 2007, तो इट विल बी द रिपोर्ट ऑफ द पंजाब फ्रेंजिक साइंस एजेंसी रिगार्डिंग डी इज पर से एडमिजिबल इन एविडेंस अंडर सेक्शन फाइव वन जीरो यानी सेक्शन पाँच सौ दस सी आर पी सी के तहत जो भी एविडेंस जिस तरह से एक एक्सपर्ट ओपिनियन देता है और वो कानून मजमू जब फौजदारी एटीन नाइन्टी एट जो है वो एडमिजिबिलिटी उसकी मानती है इसी तरह ही डी एन एक्सपर्ट जो है वो इसी तरह उसकी एविडेंस एडमिज़िबल होगी और इसी बात को पिछले साल हमने मोहम्मद सुहेल अलियास सुहेल आ, उर्फ समा वगैरह एक केस था सुहेल आ, सम्मा बनाम सरकार एंड अदर्स जो कि रिपोर्टेड केस है 2019 हज़ार उन्नीस पेज 1652 इसमें ये वाज़े कर दिया गया था के आर्टिकल 128 ट्वेंटी एट ऑफ द कानून शहादत आर्डर नाइनटीन एटी फोर फोर क्लोजिंग द एडमिजिलिटी ऑफ एविडेंस बाय आर्टिकुलेटिंग ए कंक्लूसिव प्रिजम्पन एज इन दटर्निटी डिस्प्यूट अब डीएनए जो है वो वाजे कर देता है पेटर्निटी के मैटर्स को सिंस डीएनए इज रैकन्ड एज ए फॉर्म ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस इन द क्रिमिनल केसेस इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द प्राइमरी एविडेंस एंड कैन नॉट बी रिलाईड अपॉन एज को थोड़ा सा कुरेबोरेटिव एविडेंस से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं लेकिन प्राइमरी एविडेंस और क्रेबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के दरमियान दरम्यान में मामला रह जाता है फिर भी और इस केस में जो 2019 हज़ार उन्नीस पेज 1652 में रिपोर्टेड केस है सम्मा वगैरह का केस जो है उसमें ये वाज था कि के नो केस कैन बी डिसाइडेड एक्सक्लूसिवली ऑन इट्स बेसिस इफ़ देर इज़ नो प्राइमरी पीस ऑफ एविडेंस सच एज़ ओरल एविडेंस वगैरह अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है ना तो फिर सिर्फ और सिर्फ डीएनए के ऊपर जो है वो केस का फैसला नहीं दिया जाएगा ये नहीं कहा जाएगा कि भाई ये प्राइमरी पीस ऑफ एविडेंस है और ना ही सिर्फ और सिर्फ इसको क्रेबिलिटिव पीस ऑफ एविडेंस बल्कि थोड़ा सा ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए इसको बेसिकली डियर फ्रेंड्स क्रेडिबिलिटी ऑफ डी एन ए टेस्ट इंटरलिया डिपेंड्स अपॉन द स्टैंडर्ड Employed for collection and transmission of samples to the DNA laboratory. Safe custody and safe transmission of the samples is pivotal, you people know, as that has been interpreted in, in the previous days uh, in the uh, Khairul Bashar case uh, in CNSA 1997.

और इसी चीज़ को क्योंकि प्रोसिक्यूशन केस जो है अगर डीएनए एविडेंस के ऊपर बेस कर रहा है तो कोर्ट ने उसके सारे सरकम्स्टांसिस को भी देखना है और अगर प्रोसिक्यूशन चेन ऑफ कस्टडी को ब्रेक कर जाती है तो फिर कोर्ट उस पर रलाय नहीं करेगी और इसी चीज़ को अभी पिछले दिनों हमने ए, एक केस रिपोर्टेड हुआ था आ, अमेरिका में केस का टाइटल था द पीपल वर्सेस ओ जे सिम्सन अमेरिका का एक मशहूर फुटबॉलर था एंड ही वाज एक्यूज ऑफ स्लिटिंग थ्रॉट ऑफ हिज एक्स वाइफ निकोले ब्राउन सिम्सन एंड नाइफिंग टू डेथ हर फ्रेंड The prosecution case was essentially based on the DNA evidence, but the court rejected it when it was found that Los Angeles Police Department has made serious mistakes in handling the safe custody and safe transmission of uh, samples. and in the same evidence Jo पुलिस ने जिस कस्ट, सेफ कस्टडी में लेके जाना था जो पैरामीटर्स अडॉप्ट करने थे वो नहीं किए हैं इस वजह से डीएनए के ऊपर अलाइन नहीं किया जाएगा तो उस कत्ल केस के अंदर भी और यही बात हमने 2015 में इकराम्ला बनाम स्टेट एक केस था उसके बाद फिर हमने यही बात 2018 में स्टेट थ्रू रीजनल डायरेक्टर एएनएफ एन और उसके अलावा इमाम बख्श केस था जो कि दो एक, एक केस 2015 हज़ार पेज वन डबल जीरो टू और 2018 हज़ार पेज टू जीरो थ्री नाइन में और अभी पिछले दिनों हमने बड़ा मशहूर केस गुजरा बशर केस जो सी एन एस ए वाला था बशर वर्सेस द स्टेट जो दो हज़ार उन्नीस एस सी एम आर पेज नाइन थ्री जीरो में भी सेफ कस्टडी एंड सेफ ट्रांसमिशन ऑफ जो माल मकदमा है उसके हवाले से वो हमें इंटरप्रेट कर रहा था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिफ्यूज टू रिलाई ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड सेट एसाइड कन्विक्शन ऑन द नारकोटेक्स केसेस व्हेन द प्रोसिक्यूशन कुड नाट इस्टेब्लिश द सेफ ट्रांसमिशन ऑफ द सेम्पल्स फ्राम द प्लेस ऑफ रिकवरी टू द लेबॉर्ट्री अब बात तो वही आ जाती है जब प्लेस ऑफ अक्रन से डीएनए टेस्ट लिए गए उनको कोई प्रॉपर कस्टडी में नहीं रखा गया वो मल्टी फ... उसमें उसमें कोई आलूदगी आ गई है वो पोलूट हो गए हैं तो फिर उनकी गवर्नमेंट का जो एनालिस्ट है वो उस पर क्या करेगा या अपनी रिपोर्ट प्रॉपर तो नहीं वो दे सकेगा क्योंकि सेफ़ कस्टडी और सेफ ट्रांसमिशन जो है वही सस्पिशन में चली गई है चेन ऑफ कस्टडी जो है वो ही ब्रोक हो गई है तो फिर इसमें क्या करे अब जब पेडू ही ना लड़े तो छम्मा बेचारा क्या करे भाई और उसमें बात इस तरह आगे चलती है आ, और उसमें ये होता है बाज़ात एक पिछले दिनों रबिया बीबी का एक केस आ गया जिसमें जो वजाइनल स्वेप्स थे वो पंजाब फ्रेंसिक साइंस लेबॉर्टरी को छः दिन डले के साथ भेजा गया था And uh, prosecution did not lead any evidence to prove their safe custody and delivery at the Park, Punjab Forensic Science Agency. The police official who took them to the laboratory was also not examined. In the absence of such evidence, DNA test ki credibility kya hogi Zero bata zero hogi. a nah, primary to hai nahin. Collaboration ke, the pass bhi nahi और इसी बात को हम अगर मजीद देखना चाहें तो फेडरल शरीत कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है डी एन ए के ऊपर यूसफ एंड अदर्स वर्सेज़ द स्टेट जो कि उन्नीस सौ पचानवे पी सी आर एल जे पेज वन सेवन थ्री नाइन में और उसी तरह एक केस अभी दो हज़ार उन्नीस में ए, रिपोर्ट हुआ था दो हज़ार उन्नीस से पी सी आर एल जे नोट वन टू ज़ीरो है जो कि शाकर मोहम्मद पूर्व शकील बनाम रियासत बनाम रियासत जो केस था उसमें भी वाजे कर दिया गया था कि जब सेफ़ कस्टडी ऑफ एंड ट्रांसमिशन ऑफ डी एन ए सैम्पल्स ही सस्पीशन में चले गए हैं भाई तो फिर उसकी बुनियाद के ऊपर डी एन एविडेंस पे रिलाई नहीं किया जाएगा और इसी तरह जो ये एविडेंस है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और उस पर कती सूरत जो है वो रिलायंस जो है वो नहीं की जाएगी क्योंकि ये मेडिकल एविडेंस है ये वो तो एक कन्फर्मेटरी पीस ऑफ एविडेंस है और ये प्राइमरी एविडेंस तो है नहीं है ही इसने करनी है और आ, इसी बात को 2009 हज़ार नौ पेज वन फोर वन ज़ीरो मुरसल काजमी द स्टेट और आ, अभी ये हाशम कासम वर्सेस स्टेट केस था 2017 हज़ार सत्रह पेज 986 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था और इसी बात को अगर हम मजीद देखना चाहें थोड़े से बैक परस्पेक्टिव में जाके तो भाई उसमें यह होगा जब भी डाउट प्रूड एंड माइंड में आ जाएगा ना क्योंकि सेफ कस्टडी एंड सेफ ट्रांसमिशन जो बेसिक आ, उस एविडेंस का जिसके ऊपर रिलायंस करना था कोर्ट ने जब वही सस्पेशन में चला गया है वो चेन ही टूट गई है तो फिर भाई सजा किस चीज़ की दी जाएगी और इस हवाले से आपको पता है 2019 से सी एम आर पेज वन टू ज़ीरो जो है ना वो हमें बड़े अच्छे अंदाज से इंटरपट्टन इस बात की दे देती है हाँ। और इसी तरह अगर हम देखना चाहें तो कत्ल के मुकदमात में जो सूरत हाल होती है डी एन ए के हवाले से वो कत्ल मुख्तफ होती है मसलन आलाए कत्ल के ऊपर मौजूद निशानात जो हैं वो भी काफ़ी हद तक मददगार होते हैं और अब तो टच डी एन ए का सिस्टम भी आ गया है कि जब किसी हथियार को या किसी चीज़ को एक पर्सन ने छुआ है तो अपने कुछ सेल्स जो हैं वो उस वहाँ पर भी ट्रांसमिट भी हो गए हैं और इसी हवाले से आपको पता है कि आलाए कत्ल के ऊपर टच डी प्रोसेस जो है उसी टाइम वो उसको महफूज कर लिया जाता है और उसी को मदद से जो है वो गन चलाने वाले के जो पसीना है या सुपर टिश्यूज़ या दूसरे बायोलॉजिकल जो मवाद है उसकी मदद से मुलम की शनाख्त जो है वो आसान हो जाती है इसी तरह अगर मौत किसी जहर देने की वजह से हुई है तो उसके लिए आपको पता है कि फ्रेंसिक टेक्सिकोलोजी एक अलीदस डिपार्टमेंट मौजूद है जो मुख्तफ़ किस्म के जहरों के ऊपर काम कर रहा होता है और जो फ्रेंसिक टैक्सकोलॉजी के माहरीन है वो इंसानी बाफ़तों और मायात में से मुख्त केम, के, केमिकल मादे मसलन मसोहल या दीगर तबखीरी मादे मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड या दीगर गैसें या कोई धात है या कोई ज़रीले मरकबात हैं उनका खोज लगा लेते हैं कि बॉडी के अंदर मौजूद है या नहीं है और इस बात का तयन करते हैं कि जिसम में मखसूस मरकब या किस हद तक कोई टॉक्सिकल जो मवाद है वो जिसम के अंदर मौजूद है और आपको पता है कि जाए वारदात के ऊपर ही डी एन एक्कटा किया जा सकता है और कलीलमकदार डी एन ए बुनियादी तौर पर वहाँ से जो भी मिल जाता है यानी जो किसी शख्स के जल्द के खुलियों से किसी चीज़ पर उसके छूने से भी मौजूद हो जाता है और खाने पीने के अगर वहाँ पर इस्तेमाल कोई चीज़ किए कोई वेपन वहाँ से मिल गया है मसलन मुलजम ने वहाँ पे अगर कोई बोतल पी है कोई पानी पिया है किसी गिलास में से कोई कप से चाय पी है या कोई भी चीज़ पी है कोई चिंगम वहाँ इस्तेमाल की है वहाँ इस्तेमाल सिगरेट इस्तेमाल करके फेंक गया है मुलजम, या मुलजम ने किसी औरत को पकड़ के अपने साथ लगाया है चूमने की कोशिश की है तो फिर भी कुछ ना कुछ तो जो है वो सेल्स जो हैं वो ट्रांसमिट तो हुए हैं और आपको पता है कि आज के दौर में चूंकि ये पोजीशन इस तरह से है कि डीएनए टेक्नोलॉजी थोड़ी सी तरक्की कर गई है और अमेरिका जैसे मुल्क में फुट अभी हमने डिस्कस भी किया कि फुटबॉल खिलाड़ी का जो सैमसन वाला केस था उसमें अदालत ने बाकायदा तौर पर लॉस एंजल्स पुलिस को कहा कि आपने सेफ़ कस्टडी ऑफ ट्रांसमिशन जो थी उसकी चेन ऑफ कस्टडी ऑफ डीएनए के लिए जो आपने भेजा है वो ठीक नहीं है वो डाउटफुल है इस वजह से वहाँ पे डीएनए जो एविडेंस थी उसको अदालत रिज, ने रिजेक्ट कर दिया था तो उसी हवाले से अगर आप मज़द देखना चाहें तो 2015 हज़ार पंद्रह पी सी आर वन है और इसी बात को 2015 हज़ार पेज सेवेंटी है और 2014 हज़ार पेज वन डबल सिक्स नाइन है और उसी बात को 2014 वायलर पेज 1595 है, 2014 पीसीआरएलजे पेज 1764 है, और 2014 पीसीआरएलजे पेज 893 है, और 2014 एमएलडी पेज 614 इस बात पे हमें काफी हद हाँ तक वजाहत देते दे देती है। और उसी बात को अगर आप मज़ीद देखना चाहें तो दो हज़ार चौदह पी सी आर एल जी पेज फोर सेवन फ़ाइव है जी और दो हज़ार तेरह एस सी एम आर पेज वन फोर वन फाइव है और याद रखिएगा कि कदल के मुकदमों में अक्सर कब्र कब्रकशाई करके भी मकतूल का डी एन एसिल किया जाता है ताकि मौत की वजह मालूम की जाए और वो सारी कार्रवाई जो है वन सेवेंटी फोर सी आर पी सी एटीन नाइनटी एट के तहत आपको पता है और इस तरह का जो भी कब्रकशाई वाला मामला होता है उसको अदालत से इजाजली जाती है उसके बाद ही कब्रकशाई होती है और उसके हवाले से एक वीडियो मैंने बनाई थी जो कि आपको जो मेरा यूट्यूब पे चैनल है लॉ बाय सलीम यकुवान से आपको मिल जाएगा और ये कबर कशाई आपको पता है कि मकतूल के वसा पुलिस और मेडिकल ऑफिसर्स की मौजूदगी में होती है और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जब अदालत ये मुनासिब तसवर करती है कि मौत की वजह मालूम करना लाजमी है तो फिर कबर कशाई का आर्डर दे सकती है ताकि डी एन ए टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो और मजिस्ट्रेट की तरफ़ से दिए गया जो तहरीरी आर्डर के बाद ही पुलिस रिश्तेदारों और मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में ही कब्र कशाई करके डीएनए का हस जो है सैम्पल के लिए डीएनए लिया जाता है और इस हवाले से 2014 पीसीआरएल जे पेज 219 सौ गाइडलाइंस दे देती है और उस इस ये इसी बात के ऊपर दो पी एल डी हाई कोर्ट पेज 50 जो है वो हमें इस हवाले से काफ़ी हद तक इंटरपटेशन दे देता है और उसके बाद अगर हम जनाबल जबर और जिनसी के केसेस में देखना चाहें तो ये बात एक एडमिटेड है कि डी एन ए टेस्ट जो है वो जनाबल जबर और जिनसी तशद के मुकदमा में अहम करदार अदा करता है अदालत की बड़ी हद तक कैल्पाउट कर देता है क्योंकि इसके ज़रिए जल्द और शफाफ़ इंसाफ की फ्राहमी जो है मुमकन होती है और जो जोती दुश्मन की बिना पर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो सिर्फ लोगों को बचाया जा सकता लेकिन ये है लेकिन उसमें यह है कि जनाबिल जबर की सूरत में क़ानून नाफज वाले दारों को फिलफौर इतला करनी ज़रूरी है ताकि तखिर की बिना पर जो बायोलॉजिकल फेंसिंग मटीरियल है जो जिससे डीएनए एन टेस्ट होना है वह ज़्याया वो एविडेंस ज़ाया ना हो जाए और पंजाब फ्रेंसिक एजेंसी के मुताबिक जो विक्टम है रेप केस का उसका जल्द अज़ जल्द कम से कम पाँच घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा बहत्तर घंटे के दौरान में किसी माहर मेडिकल जो ऑफ़िसर है उससे मुआयना करवाया जाए और स्वेप्स टेस्ट ले लिए जाए वो मेडिकल ऑफ़िसर जो है वो फौरी तौर पर उसके सारे एविडेंस स्वेप्स टेस्ट ले लेगा और अलग अलग उसको पैक करेगा और अभी आपको पता ही है कि 2013 सीएमआर तेरह पेश तो में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब भी कभी ज़िनाबिल जबर या जिनसी तशदद का कोई मामला आओ तो उसमें पुलिस को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है वो डीएनए टेस्ट के लिए जो है वो लेके जाएं क्योंकि डीएनए टेस्ट की अफ़ादियत तखीर की बिना पर कम हो जाती है और फिर वो कंटेमिनेट हो जाता है उस सैंपल के अंदर बहुत सी चीज़ें वो आलूदा हो जाता है और जिसकी वजह से एविडेंस मुतासर हो जाती है और मुलम का डीएनए जो विक्टम से मिलने वाले डीएनए से जब ममासत खा जाता है तो फिर तो देखें क्रैबरेट हो गया मामला लेकिन अगर तखीर होने की बिना पे वो जो सैंपल लिया है वही गलत हो जाता है या वो कंटेमिनेट हो जाता है वो शक की बिना पर चला जाता है तो फिर इस बेचा बिना पे कई बेचारे जो हैं वो गरीब फंसेंगे और मुलम जो असल मुलम है वह शक की बिना पर छूट जाएगा और इसी वजह से जब डी एन ए टेस्ट ठीक हो विक्टम की एविडेंस के साथ साथ विक्टम के बयान के साथ वो कॉरेबोरेट कर रहा हो तो फिर मुलम जो है वो बचने के चांसेस कम हो जाते हैं और देखिए आम तौर पे पंजाब फ्रेंसिक साइंस एजेंसी ये कहती है कि पाँच घंटों तक के अंदर अंदर जो है ना वो मुआयना करवा लेना चाहिए ताकि सारे एविडेंस जो हैं वो सैंपल पैक हो जाएं ताकि किसी किस्म की कोई कोई कंटेमिनेशन ना हो जाए और मेडिकल ऑफ़िसर जो है वह उस बायोलॉजिकल जो से, से, सेमन ग्रुपिंग है उसको अलग-अलग महफूज करेगा और जो विक्टम है उससे पूरी मालूम लेगा और जिस कदर वो उसको एविडेंस मेडिकल एविडेंस मिलते हैं वो उनको अलग-अलग से पैक करके डीएनए के लिए भेजेगा और इस बात को आपको पता है कि पिछले दिनों दो हज़ार तेरह सी पेज दो में भी डिस्कस किया गया था और अगर मुलम का डी एन ए टेस्ट जो है और सैमन ग्रुपिंग जो है वो आपस में नहीं मिलती है तो फिर आपको पता है कि मुलम जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट ले लेता है और रेप केसेस में वो बच जाता है और इसी बात के ऊपर 2015 हज़ार पंद्रह पेज 53 जो है मोहम्मद यूसुफ़ केस है जो जिसमें ये सारी बातें डिस्कस की गई थी और 2015 हज़ार पंद्रह पेज 53 है और 2014 हज़ार चौदह पेज 893 है और 2014 हज़ार पेज 853 2014 थ्री दो पेज 374 है और 2000 पीएलडी 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज डबल फाइव फोर है दो हज़ार दस पी सी आर एल पेज नाइन फाइव फोर है और दो हज़ार छ वाई एल आर पेज डबल नाइन और पी एल डी दो हज़ार छः सुप्रीम कोर्ट पेज एटी वन है जिसमें ये सारी बातें डिस्कस की गई थी और इसी बात को अगर हम मज़ीद देखना चाहें तो एन एल आर दो हज़ार पंद्रह एस टी पेज फाइव थ्री सिक्स और दो हज़ार नौ एम एल डी पेज वन सेवन वन जो है वो हमें काफ़ी हद तक इस हवाले से गाइडलाइन देती है लेकिन डी एन ए के मुखलिफ़ आस्पेक्ट्स के साथ दोबारा मिलते हैं दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफि